सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल फिटनेस एंड हेल्थी टिप्स। आज फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज इस पौधे का औषधीय प्रयोग बताऊंगा। देख पा रहे हैं आप, ये पौधे का औषधीय प्रयोग बताने वाला हूं आज। इसे कालमेघ कहते हैं, कालमेघ का पौधा। देख पा रहे हैं आप, इसमें फूल लग गए हैं और फलियां भी लग गए हैं। ये पत्ते हैं इसके, देख पा रहे हैं। ये है कालमेघ। बहुत कड़वा होता है ये और बहुत ही अच्छा इसका औषधि प्रयोग है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ बने रहें। आज बहुत ही अच्छा इसका औषधि प्रयोग बताने वाला हूँ। देख पा रहे हैं ये कालमेघ का पौधा है। बहुत ही अच्छी औषधि गुण होता है इसमें। देख लें दोस्तों, ये कालमेघ का पौधा है। देख पा रहे हैं आप, ये बहुत ही अच्छा गुणकारी औषधि है। और इसका प्रयोग बुखार के लिए, पुराने से पुराने बुखार में इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे रक्त से संबंधित बीमारियां हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, ये कालमेघ है। ये कालमेघ का पौधा है, बहुत गुणकारी औषधि है। तो दोस्तों, पुराने से पुराने बुखार में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो बताऊंगा मैं। जैसे जिन भाइयों को बहुत पुराना बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी दवा काम नहीं कर रहा है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है इसका। देख पा रहे हैं आप, ये इसके पत्ते हैं। एक पत्ते ले लें, अब एक पत्ते को बढ़िया सिलबट्टे में बढ़िया पीस लें और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के इसका सेवन करें। इसका कुछ दिन सेवन करने से पुराना सा पुराना बुखार भी उतर जाता है गुड़ के साथ, क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। ये बहुत ही कड़वा होता है, ये कालमेघ जो है बहुत कड़वा होता है, नीम जैसा, चिरायता जैसा। तो इसको गुड़ के साथ लिया जाता है। जैसे इसके एक पत्ती है, देख पा रहे हैं आप, ये पत्तियों को एक पत्ती पीस लें और थोड़ा सा गुड़ मिला लें और उसका सेवन करें। यह मान लो दिन में दो सुबह शाम सेवन करें इसका, कालमेघ का। कुछ दिन इसका प्रयोग करने से पुराना सा पुराना बुखार भी उतर जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और भी एक प्रयोग है इसका, जैसे कालमेघ का पूरा इसको उखाड़ लें जड़ से और इसको छाया में सुखा लें। ये कालमेघ जैसे पंचांग से, पंचांग पूरा, जड़ तना पत्ते फूल फल सभी इसको उखाड़ के इसको छाया में सुखा लें। और सुखाने के बाद इसके पंचांग का चूर्ण बना लें। और चूर्ण बनाने के बाद इसका काढ़ा तैयार करें। जैसे एक गिलास पानी में इसका काढ़ा बनाएं और जब एक गिलास पानी चौथाई रह जाए, ये मान लो एक कप रह जाए, तब उस एक कप में थोड़ा सा मिश्री मिला के उसका नित्य सेवन, रोज़ सेवन करें कुछ दिन तक। तो इसमें भी पुराना सा पुराना बुखार इसमें भी उतर जाता है। तो ये दोनों प्रयोग है, गुड़ के साथ और एक ये काढ़ा बनाएं मिश्री डालकर, क्योंकि कड़वा होता है। तो भाई पीने भी में थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा लगेगा तो लोग कोई पी नहीं पाते कड़वाहट की वजह से, थोड़ा सा मिश्री डाल लें तो मीठा हो जाता है। तो ये दोनों प्रयोग हैं पुराना से पुराना बुखार के लिए, गुड़ के साथ उपयोग करना है और एक काढ़ा बना के मिश्री के साथ। तो दोस्तों, जैसे इसका मान लो बुखार के वजह से पुराना बुखार है, उसमें किसी का लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, लीवर ख़राब हो गया है, उसके लिए भी बहुत अच्छा कारगर उपाय है इसका। तो दोस्तों, जिनका लीवर ख़राब हो गया है, लीवर काम नहीं कर रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा औषधि प्रयोग है। तो दोस्तों, जिनका बुखार के वजह से, जैसे बहुत पुराना बुखार है, लीवर ख़राब हो गया है, तो उसके लिए इसका चूर्ण, इसके पत्तों का चूर्ण लेना है, कालमेघ का पत्तों का चूर्ण छाया में सुखाया हुआ 1 ग्राम लेना है। और 2 ग्राम भुई आंवला का चूर्ण लेना है। भुई आंवला जानते होंगे ज़मीन में होता है, उसका भी फोटो मैं इसमें डाल दूंगा, देख लीजिएगा। और उसके बाद 2 ग्राम मुलहटी, इन तीनों को बढ़िया 200 ml पानी में डालकर काढ़ा बनाएं।
और जब काढ़ा 200 ml बिल्कुल चौथाई रह जाए, ये मान लो 50 ml, 50 ml बच जाता है पानी, उसको छान के और पियो। इसको भी प्रायः कुछ दिन इसका प्रयोग करने से पुराना सा पुराना जो लीवर का इन्फेक्शन होता है या लीवर ख़राब हो गया है उसमें भी बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही गुणकारी औषधि है ये, इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा है इसमें, इसको प्रयोग करें जिसका लीवर ख़राब हो गया है। और भी इसके बहुत से प्रयोग हैं, जिनका पेट साफ़ नहीं हो रहा है उसके लिए भी बहुत बढ़िया इसका प्रयोग है। पेट में कब्ज रहता है उन भाई लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त औषधि है। तो इसका चूर्ण को 2 ग्राम आंवले का पाउडर लें और 2 ग्राम कालमेघ का चूर्ण लें और 2 ग्राम मुलहटी का चूर्ण लें, इन सबको मिलाकर और 100 ml पानी में डाल के इसका काढ़ा बनाएं। जब ये 100 ml पानी भी चौथाई बच जाए तो उस हिस्से को बढ़िया छान के और उसका रोज़ सेवन करना चाहिए, दिन में 2 से 3 बार, 2 बार सुबह और शाम इसका नित्य सेवन करने से कुछ दिन और पुराना सा पुराना ये मान लो कब्ज, जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है या शौच के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, तो पुराना सा पुराना कब्ज को ये ठीक कर देता है। कुछ दिन में बिल्कुल पेट साफ होने लगेगा और पेट का जमा कचरा बाहर निकल आएगा। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही गुणकारी औषधि है, दोस्तों देख पा रहे हैं आप, पहचान लीजिए ये है कालमेघ ये। तो दोस्तों धन्यवाद मेरे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही गुणकारी औषधियों का वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हों तो लाइक कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आप सभी दोस्तों का मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों कोई और नई वीडियो के साथ, सभी को मेरा नमस्कार।